लंबे अरसे के बाद कोड़ा गैंग सक्रिय हो गया है। आप बैंक से मोटी रकम निकाल रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बोकारो में एक बार फिर इस गैंग ने अपना शिकार शुरू कर दिया है। गैंग ने बोकारो में एक बुजुर्ग को बनाया निशाना और उसके बाइक की डिक्की से उड़ा लिया 1,10,000 रुपए। इस गैंग का खासियत यह है कि यह बैंक में ही रेकी करता है, पता करता है कि कौन मोटी रकम निकाल रहा है। कुमारडी का रहने वाला बुजुर्ग सागर दत्ता सेल कर्मचारी द्वारा 1,20,000 रुपए गैंग ने उड़ा लिए। पीड़ित बोकारो के चास के जोड़ा दी मोड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकाल कर जा रहा था। इनका पीछा अपराधियों के द्वारा चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के काला पत्थर तक किया गया, जहां बुजुर्ग अपनी बाइक रोड किनारे खड़ी करके एक दुकान में घुसा। इसी दौरान पहले से घात लगाकर कोड़ा गैंग के अपराधियों ने डिक्की से पैसे का झोला निकालकर फरार हो गया। जब पीड़ित व्यक्ति अपना डिक्की खुला हुआ देखा तो उसमें देखा कि पैसे गायब हैं, जिसके बाद हो हल्ला होने के बाद दुकान में लगे सीसीटीवी को खंगाला गया तो पाया गया कि पीछा कर रहा बाइक सवार दो अपराधियों ने डिक्की से पैसे का बैग निकालकर फरार हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर सीसीटीवी को खंगाला, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई और बैंक से लेकर घटनास्थल तक का सीसीटीवी को खंगाल रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बैंक में कौन सा अपराधी बुजुर्ग पर नजर गड़ाए हुए था। बताते चले कि यह गैंग बिहार के कटिहार के कोड़ा गांव का रहने वाला बताया जाता है, जो पिछले कई सालों से बोकारो में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। कोरोना के लॉकडाउन के चलते पिछले साल से इस तरह की घटना प्रायः बंद थी, लेकिन एक बार फिर से बोकारो में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, जिससे सोचा जा सकता है कि कोड़ा गैंग एक बार फिर बोकारो में सक्रिय हो गया है। पीड़ित ने बताया कि वह बैंक से 1,20,000 रुपए निकाला था, जिसमें से 8,000 रुपए एक दुकान वाले को दिया और बाकी 1,10,000 के लगभग डिक्की के झोला में ही था। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। पैसा निकाले और जा करके हम डिक्की में डाले और काला पत्थर में रुके, कुछ राशन में निकले, तो वहाँ पर हम जब झोला निकले जाते देखे डिक्की खुला हुआ, तो हम बोले वहाँ ऐसा ऐसा बात है, हमारा तो पैसा चला गया। तो एक लड़की बोलता है वहाँ का, बोलते हम लोग को तो सीसी कैमरा देख रहे हैं, सीसी कैमरा से देखा जाए तो वो डिक्की खोला और वो देखा तो उसको पीछे तो देखा रहा कैमरा इसमें कई लोग थे उसमें, तो कैमरा में वो अकेला देखा रहा, जाकर के गाड़ी में चढ़ा। हम लोग को फोन के माध्यम से सूचित किए कि बैंक ऑफ इंडिया से 1,20,000 रुपये निकाल के ये अजूरा के पड़ोसे में जा रहे थे। इसमें एक जगह में तेल लेने के लिए रुके, दुकान में पैसा देने के लिए भी इन्होंने रुका। उसके बाद जाने के बाद थाना शाहजी की दूरी पर एक दुकान है, इसमें शर्मा जी के दुकान में एक रोड से गाड़ी लगा कर खरीदने गए हुए थे। उसी दौरान इनके डिक्की जो है कुछ लॉक वगैरह कुछ नहीं डिक्की में, और कोई सीसीटीवी कैमरा में हम लोगों ने देखा कि वो कोई बंदा पीछे से आता है और वो डिक्की को आसानी से खोलते हुए थैला निकाल के लेकर चला जाता है। और इनका कहना है कि उस थैले में मेरा 1,10,000 कुछ रुपया है। हम लोग इसी पर छानबीन कर रहे हैं, अभी हम लोग सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब देख रहे हैं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाँ मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है। तो सोचो क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड दिया। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.